हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की ये वीडियो क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20, जी हाँ स्टूडेंट्स, क्लास 12 के मैथ का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप इस 20 प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस बार जो आपका क्लास 12 का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है सभी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और बिल्कुल 100% आएंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, जिसमें हम आपको क्लास 12 के मैथमेटिक्स के 20 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जो इस बार आने की बिल्कुल संभावना है। तो हमारे साथ धनंजय सर है, जो आपको डिटेल्स के साथ आपको बताएंगे कि क्लास 12 के मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। हम आज के वीडियो में आपके लिए है जो है टॉप 20 इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आपका ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड वाले, चाहे यूपी बोर्ड वाले हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये निश्चित समाकलन यानी कि डिफिनिट इंटीग्रेशन से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है विगत वर्षों में 3 से 4 बार आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है, यह है 0 से π/2 लॉग साइन एक्स का समाकलन एक्स के सापेक्ष बराबर जो है आपका -π/2 से log 2 है। ये आपका इसका आंसर है, ये आपका साबित करने के लिए रहेगा, यानी कहेगा टू प्रूव डैट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू -π/2 log 2। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने जो है अवकलन समीकरण चैप्टर से लिया गया है और यह क्वेश्चन जो है समघातीय अवकलन समीकरण है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या है सो देखिए, कहता है x³ + y³ (dy) - x²(dx) को हल करें। ठीक है, को हल करें। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है आपके सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने इस प्रकार से है, कहता है उस सरल रेखा का समीकरण प्राप्त कीजिए जो दोनों सरल रेखाओं x+1y - 3 = y - 3/2 = z+2/1 और दूसरा रेखा का समीकरण जो है x^1 (y-7/-3) = z+7/2 पर लंब है और उनके प्रतिच्छेदी बिंदु से होकर गुजरता है। यानी कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन्स विच परपेंडिकुलर्स टू लाइन्स वेयर इक्वेशंस इज x+1y - 3 = y - 3/2 = z+। चलिए हम चार नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह है तीन चर वाला रेखीय समीकरण को हल करना है आव्यूह विधि से। आपका क्वेश्चन है x+y + z = 6, 2x+y - 3z = -5 और 3x - 2y + z = 2। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपका है ये आपका अवकलन चैप्टर से लिया गया है, यानी डिफ्रेंसिएशन से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाली आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वह क्या कहता है सो देखिए, कहता है कि आपका y = sin x^(sin x^(sin x) ये आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन निकालना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स क्या होगा, dy/dx का मान क्या होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है आपका काफ़ी VVI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है,
ये आपका रेखीय अवकलन समीकरण से लिया गया है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। कहता है डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई बराबर वन बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर को हल करें। और यह क्वेश्चन जो है आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी VVI साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्लेन से लिया गया है यानी तल से लिया गया है। कहता है कि बिंदु 07-7 से गुजरने वाले तथा एक्स प्लस वन बटा माइनस थ्री बराबर वाई माइनस थ्री वाई टू बराबर जेड प्लस टू बटा वन को रखने वाला समतल का समीकरण ज्ञात करें। समतल का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी आपका इम्पोर्टेंस है आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, चूँकि ये 8वीं क्वेश्चन नंबर जो है 8वां क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है ये हमारा जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है सो देखिए। कहता है कि 45x24 सेंटीमीटर के आयताकार टीन के चादर को चारों किनारों पर एक एक वर्ग काट कर निकाल लिया जाता है, बाकी शेष भागों को मोड़कर एक बिना ढक्कन वाला संदूक तैयार किया जाता है, तो उस काटे गए वर्ग की भुजा क्या होगी ताकि संदूक का आयतन उच्चतम हो सके। यह क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही VVI क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका बोर्ड मॉडल साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है हमारा जो है ये समाकलन चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, यानी कि समाकलन चैप्टर से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। कहता है कि योगफल की सीमा के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस वन का समाकलन x के सापेक्ष निकालना है और जिसका लिमिट है 0 से 4। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सरल रेखा x बराबर a बाई रूट टू द्वारा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर पर काटे गए लघु खंड का क्षेत्रफल निकाले का क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके लिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है। ठीक है, कहता है यदि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो साबित करें कि 8k² = 1। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड मॉडल साबित होगा जी। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है लीनियर प्रोग्रामिंग से लिया गया क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो है आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का हमेशा पूछता है। कहता है निम्नलिखित का LPP आलेखीन हल निकालें, जहां समस्या दिया हुआ है z बराबर 5x + 3y और 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 और 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 और x > = 0 और y > = 0। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए अवकलन चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन जो है अवकलन चैप्टर से लिया गया है और ये भी रेखीय अवकलन का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी प्रथम कोटि के प्रथम घात वाले अवकलन समीकरण का हल निकालना है। क्वेश्चन क्या है जो देखिए, क्वेश्चन है dy/dx इंटू cos²x + y = tan x को हल करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी VVI क्वेश्चन साबित होगा आपकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में। तो देखिए, सुनिए जरा गौर से। कहता है तलो यानी कि दो प्लेन है। कहता है तलो x + y + z = 1 और 2x + 3y + 4z = 5 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले तल x - y + z = 0 पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करें। यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है
हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है प्रायिकता चैप्टर से लिया गया है और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो जरा क्वेश्चन 15 नंबर सुनिएगा, कहता है दो थैले फर्स्ट और सेकंड दिए हैं, थैले फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदे हैं और जब कि थैले सेकंड में 5 लाल तथा 6 काली गेंदे हैं, किसी एक थैले में से यादृच्छिया एक गेंद निकाली गई है जो कि लाल रंग की है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि यह गेंद सेकंड थैले से निकाली गई है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा जो है अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, यह जो है हमारा एरिया इंक्लोज्ड बाय कर्व से लिया गया क्वेश्चन है। कहता है दो वृत्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा समाकलन चैप्टर से लिया गया है और ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता है log 1 प्लस टेन एक्स का समाकलन x के सापेक्ष निकालें जहां आपका निम्न सीमा 0 है और उस समा सीमा π/4 है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है यह क्वेश्चन जो है हमारा खंड सूत्र से लिया गया है, ठीक, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स चैप्टर से लिया गया है। यह कहता है साइन इनवर्स का वर्ग का समाकलन x के सापेक्ष निकाले, ठीक है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का समाकलन x के सापेक्ष निकाले। और अगला क्वेश्चन जो है आपका है ये हमारा जो है इरेशनल फंक्शन से लिया गया है। कहता है 5x प्लस 3 बटा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का समाकलन x के सापेक्ष क्या होगा। ये सब क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक विधि पर आधारित क्वेश्चन है, जो समाकलन निकालना है ये है 5x बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का समाकलन x के सापेक्ष निकालना है जी। और ये सभी जो क्वेश्चन मैं आज के वीडियो में बताया हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर इस सब क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हमारे PDF के द्वारा मिलेगा, ठीक है। तो इस PDF को आप लोग परचेज करना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारा जो PDF बनाया हुआ होता है बहुत ही अनुभवी टीचर के द्वारा बनाया हुआ होता है और विशेष मैं क्या कहूँ, ठीक है। तो बस आज भर इतना ही।